स्टूडेंट्स, टुडे सिविक्स चैप्टर सेकंड, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया जो है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी पर्सन जो है, सभी पीपल जो हैं, वो सभी, हम सभी की रिक्वायरमेंट्स रहती है कि हम सभी को जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग फैसिलिटीज़, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीज़ें जो हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज इन सब चीज़ों की मिले। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हेल्थ। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज हेल्थ? स्टूडेंट्स, हेल्थ मीन्स, वी कैन थिंक हेल्थ एंड हेल्थ इन मैनी वेज मीन्स के आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री इलनेस एंड इंजरीज। हमारी बॉडी जिसके अंदर किसी टाइप के कोई भी इलनेस नहीं है या कोई भी इंजरीज नहीं है, हम मेनली उसी को हेल्थ बोलते हैं। बट हेल्थ इजंट ओनली हेल्थ, जो है वो सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं है, उसमें सिर्फ डिजीज से रिलेटेड ही नहीं आती है। उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स। डिजीज के अलावा भी हम इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हमारी हेल्थ को रिलेट करते हैं। सपोज अ पर्सन गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पर्सन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसका जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, वो पॉल्यूशन फ्री है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी हेल्थ को रिलेट करती हैं। ऑन द अदर हैंड, पीपल जो हैं उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर बैलेंस्ड फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वो किस टाइप के एरिया के अंदर रह रहे हैं, अगर उनका एरिया जो है वो अनहाइजीनिक है तो दे प्रोन टू बी इलनेस, तो वहाँ पर जल्दी बीमारियाँ हो सकती हैं। ऑल ऑफ अस वुड बी लाइक टू एक्टिव, हम सभी को एक्टिव रहना और गुड स्पिरिट्स के अंदर वर्क करना, ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के अंदर ही काउंट होती हैं। इट इज़न्ट हेल्दी टू बी डल, अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम जो हैं वो डल रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, लेजीनेस रहेगी, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के अंदर काउंट होती हैं। वी ऑल नीड द विदाउट मेंटल स्ट्रेस ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स फ्रॉम लाइफ एंड पार्ट ऑफ आर हेल्थ, इज और पार्ट ऑफ आर हेल्थ। नाउ हेल्थ इन इंडिया, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, अपार हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज सेंटर, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने हमारी इन सभी चीज़ों को, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को, हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर आप अपने कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ब्लड बैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं। द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीडेड, जिन जिन चीज़ों की हमारे पेशेंट्स हैं उनको ज़रूरत रहती है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे वर्कर, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स हैं जो आपको एडवाइस दें एंड आपका किस टाइप का, आपको कौन सा डिजीज़ है उसको डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं आपके इलनेस को। वी ऑल्सो नीड दम, इसके अलावा हमें मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं दैट नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर टेक केयर ऑफ आर्स, ये सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ की टेक केयर के अंदर इंक्लूड होती हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इन हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। इस टाइप के बहुत सारे सिस्टम थे, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट जो उनको चला रही है, और ये सारी एबिलिटीज जो हैं वहाँ पर ये सारा ध्यान रखा जाता है कि आपको बहुत सारे संख्या के अंदर, जो बहुत सारे पॉपुलेशंस में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो सभी जगह पर हर पर्सन तक हमारी ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की ट्राई है कि हर जगह पर ये फैसिलिटीज जो है हर पर्सन तक प्रोवाइड करवाई जा सके। वी विल गो टू मोर डिटेल इन लेटर। नाउ इन इंडिया एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस, वेयर इज मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। हाउएवर दिस टाइप्स ऑफ आवर कंट्री हैज द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास, मनी है, लेकिन हर पर्सन तक ये सारी फैसिलिटीज जो हैं
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हों, ये अभी हम इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो पूरा ट्राई कर रही है। इसी के लिए गवर्नमेंट के जो हमारे सभी पर्सन तक प्रॉपर फैसिलिटीज़ पहुँचे उसके ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है जिसके बारे में हम रीड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है स्टूडेंट्स पहुँचा तो रही है और उसका पूरा ट्राई भी है कि सभी को लो कॉस्ट तक कम से कम रेट के अंदर सभी स्कूल को ये हमारी जो है फैसिलिटीज़ मिले। तो उसी के ऊपर एक स्टोरीज है यहाँ पर। अमन एंड राजन और अ गुड फ्रेंड्स वाइल अमन, यहाँ पर अमन और राजन की स्टोरी है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के बारे में। अमन और राजन जो हैं तो बहुत गुड फ्रेंड्स हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन दोनों के फैमिली बैकग्राउंड जो है वो स्टेटस है जो वो बहुत डिफरेंट है। एंड अमन जो है वो बहुत टाइम बाद स्कूल आते हैं और वो बोल रहे हैं अपने फ्रेंड को, विश कर रहा है कि बोल रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद तुम्हें मैंने स्कूल में देखा है। और वो बोल रहा है, राजन बताते हैं कि येस आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू नॉट टू द हॉस्पिटल, और मैं मुझे वायरल फीवर हो गया था और मैं हॉस्पिटल में हो एडमिट था। और इसी तरह से अमन बोलते हैं कि ओ अच्छा, मुझे भी वायरल फीवर हो गया था मंडे को और मैं मंडे को ही वापस मैंने स्कूल ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे भी डॉक्टर्स ने, मैं हॉस्पिटल एडमिट था और मुझे भी डॉक्टर्स ने रेस्ट करने के लिए दिया था। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम तक एडमिट रहा, फिर उसके बाद उसके बीमार था तो उसके बाद उसके फादर जो है उसको एक हॉस्पिटल में लेकर गए जो बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। उसको लग रहा था कि बिल्डिंग जो है बिल्कुल एक किसी 5-स्टार होटल की जैसी है। तो उसने अपने फादर से पूछते कि ये कोई होटल है, तो उसके फादर बोलते हैं कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं। और उसके बाद उसके फादर जो हैं 500 रुपीज़ रिसेप्शन काउंटर पर पे करते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। और डॉक्टर जो है वो वहाँ पर, वो एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड शाइनी। एंड डॉक्टर आस्क्ड मैनी टेस्ट, और डॉक्टर्स जो है उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके का ट्रीटमेंट है वहाँ पर, इसके बारे में बता रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उसने क्या किया कि आस्क मैनी टेस्ट, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दे दिए। और उनका बिहेवियर जो था बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। द लेडी हु टुक माई ब्लड टेस्ट फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स, उसने उसके बहुत सारे जोक्स सुनाए जिससे कि आई फॉरगेट टू फील द पेन। आफ्टर दिस रिजल्ट्स केम टू द वैन बैक टू द डॉक्टर, जब रिजल्ट्स आ गए वे डॉक्टर्स के पास गए एंड डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद बोला कि इनको सिर्फ वायरल फीवर हुआ है और बहुत सारी मेडिसिन उनको लिख करके दे देते हैं। और डॉक्टर्स बोल उसको मेडिसिन जो एक्सप्लेन करते हैं कि पिंक पिल है ये आपको जो है 3 times a day लेनी है एंड अ वाइट टैबलेट बिफोर बेड टाइम एंड अ सिरप जो है आप वरी नहीं कीजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू अबाउट इट, वो बोल रहा है कि मेरे साथ मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लग रहा था कि कब मैं आपसे मिलूं और कब तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बता रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा नहीं था कि मेरे फर्स्ट तो मेरे फादर जो थे डिडंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, क्योंकि उसके फादर को लग रहा था कि हॉस्पिटल जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एंड वो बोल रहे हैं कि ये इट इज़ रियली डेड, और ऐसा ही हुआ। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वी हैड वेट इन अ लॉन्ग क्यू, बहुत ओपीडी के बाहर बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी और वहाँ बहुत सारे सिक पर्सन थे। और पहले तो उन सभी को देख कर ही उसको प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बीमार था। वैन जब उनकी टर्न आई तो डॉक्टर्स एग्जामिन किया और डॉक्टर्स ने ब्लड टेस्ट के लिए बोला एंड फिर वो ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं। लॉन्ग क्यू, पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द ब्लड टेस्ट रूम। वी गो टू द टेस्ट रिजल्ट, और फिर उसके बाद 3 days आए टेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद वो बैक टू द हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट डॉक्टर, उस दिन अलग डॉक्टर की ड्यूटी थी। और वो बोलते हैं शो मी द ओपीडी कार्ड एंड रिजल्ट क्विकली, और उसके बाद वो रिजल्ट देख कर उसको बताते हैं कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, यू हैव अबाउट अ वायरल फीवर, नथिंग टू वरी, ऑल इट इज वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन टैबलेट ले लीजिए। एंड उसके बाद उसके फादर जो हैं वो घर आ जाते हैं, टू मैनी मेडिसिन एंड, और वो बोलते हैं दोनों फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं
जिस फ्रेंड से उसके फ्रेंड्स जाते हैं तो उसके वो बोलते हैं कि दोनों फ्रेंड्स के जो मेडिसिंस का कॉस्ट है उनके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। एक स्टूडेंट्स बोल रहा है अमन की भी मेरी मेडिसिंस तो 3500 की आई थी एंड दम, और वो सेकंड स्टूडेंट्स बोल रहा है कि मेरी मेडिसिंस जो थी वो ओनली 150 ही लगे मेरी मेडिसिंस को परचेज करने के अंदर। नाउ द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर, ये है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज थी वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट रनिंग है तो वहाँ पर जो है वो रेट जो है उसके अकॉर्डिंग थे, और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके रेट जो है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में हम टुमारो डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय योर चैप्टर। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।